पाठ चार, चीफ की दावत। प्रस्तुत पाठ में एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के स्वार्थ भाव को दर्शाया गया है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को परेशानी देने से भी पीछे नहीं हटता। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर उनके चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी। पत्नी सुबह से घर के कामों में व्यस्त थी। वो थकी हुई और परेशान हालत में थी और मिस्टर श्यामनाथ भी परेशान से चीजों को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते-बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, नैपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंच गए। बैठक को मेहमानों के लिए सजा दिया गया। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? श्रीमती जी काम करते करते ठहर गईं और सोचकर बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। माँ से कहो कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। यह सुझाव दोनों को ठीक लगा। सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो माँ सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो माँ को कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, सोए नहीं बैठी रहें, और क्या, थोड़ी ही देर की तो बात है। सब कुछ निश्चित करने के बाद श्यामनाथ अपनी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने माँ से कहा, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से पल्ला हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो कि जिस दिन मांस मछली बनती है उस दिन मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ जल्दी मत सो जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात तो है नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ माँ को लेकर अभी भी परेशान थे। लोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गईं। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह चारपाई नहीं है। माँ ने टांगे नीचे कर ली। और हाँ, खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। श्यामनाथ खींचते हुए बोले। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए मिस्टर श्यामनाथ बोले, तुम कोई नई साड़ी पहन लो माँ, पहनकर आओ तो जरा देखूं। माँ सफेद साड़ी पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सारा जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गया। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। सुनकर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो कि नहीं है जेवर, बस। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी तैयार होना था। वे एक बार फिर
माँ को हिदायत देने आ गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब अचानक इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं क्या बात करूँगी। तुम ही कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। माँ धीरे से बोली। माँ का जी चाहा कि चुपचाप अपनी सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी।